हाय वीवर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कीमे के मुठिया कबाब। आसान फूड रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं कीमे के मुठिया कबाब। मुठिया कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 3 किलो कीमा। हमने यहाँ पर रेगुलर फेट यानी कि चर्बी के साथ वाले मटन मिंस का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 3 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून छोटी हरी मिर्च का पेस्ट और ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 4 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सारे मसालों को कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से इसका कबाब बनाएंगे। देखिए, हमने कीमे को मैरिनेट नहीं किया है, फ़ौरन ही हमने इसके कबाब बना लेने हैं। तो यहाँ पर हमारा एक कबाब बनकर तैयार है। इसी तरह से बाकी के कबाब बनाएंगे। इस तरह से हमने सारे कबाब बना लिए हैं। अब हम इनको बॉईल कर लेंगे। तो हमने कबाब को मीडियम फ्लेम पर बॉईल करने के लिए रख दिया है। इन्हें बॉईल होते हुए 5 से 7 मिनट हो चुकी है। इसी के साथ इसमें से पानी भी रिलीज़ होने लगा है। अब गैस की फ्लेम को हाई करके इसका सारा पानी सुखा लेंगे और पानी सूखने के बाद हम कबाब को पलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छे से मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। हमें इनको दोनों तरफ से 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पर कबाब को बॉईल होते हुए 15 से 20 मिनट हो चुकी है। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमने यहाँ पर 3 किलो कीमे के कबाब बनाए हैं और उनको बॉईल किया है, लेकिन हम इसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी ही फ्राई करेंगे और बाकी के कबाब को एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज में रख देंगे। देखिए, ये जो मुठिया कबाब है इनको हम बॉईल करने के बाद 1 हफ्ते के लिए एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। जिसे कि आप देख सकते हैं कि कबाब जो है वो बॉईल करने के बाद स्क्वीज हो गए हैं। बॉईल किए हुए कबाब को हमने एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हमें जो कबाब फ्राई करने हैं वो इसमें से निकाल लेंगे। हमें इतनी क्वांटिटी इसमें से फ्राई करनी है और बाकी के जो कबाब हैं उनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद एयर टाइट कंटेनर में रख के 1 हफ्ते के लिए फ्रीज में स्टोर कर लेंगे। कबाब को सेलो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर तेल अच्छे से गरम कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो कबाब है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे और बाकी के जो कबाब है उनको भी इसी तरह मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कबाब अच्छे से फ्राई हो जाए इसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो खाने के लिए तैयार है कीमे के मुठिया कबाब। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और ऐसी ही आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।